हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मर्सिडीज़ की GLA 35 AMG, जो कि GLA का AMG स्पोर्ट्स वर्जन है। और हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, इसके अंदर AMG ग्रिल मिलेगी आपको और फ्रंट का बम्पर इसमें चेंज मिलता है, जो कि प्रॉपर AMG के साथ आता है। इसके अंदर जो हेडलैम्प्स हैं वो मल्टी बीम आती हैं। नॉर्मल वाली GLA के अंदर हाई परफॉर्मेंस है, उनकी 400 मीटर्स की रेंज होती है, तो इसकी 650 मीटर्स की चेंज है। तो ये तीनों चीज़ें गाड़ी का पूरा फ्रंट लुक चेंज कर देती हैं। साइड प्रोफाइल में अगर हम आएँ तो यहाँ तीन चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेंगी नॉर्मल AMG से, जिसके अंदर आपको 19 इंच के AMG अलॉयज मिलेंगे और AMG के ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे और साइड फ्रंट फेंडर के अंदर टर्बो फॉर्मेटिक की बैजिंग मिलती है, जिससे कि आप साइड से मेकआउट कर सकते हो कि ये कार AMG है या नॉर्मल GLA है। डायमेंशंस इसकी एग्जैक्ट सेम है GLA से इन टर्म्स ऑफ व्हील बेस, और लेकिन लेंथ गाड़ी की थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके जो बम्पर्स हैं वो AMG वाले हैं, जो कि इसे 26 mm और लंबा कर देते हैं नॉर्मल GLA से। अगर हम इसके अंदर पीछे की साइड से देखें तो इसके अंदर आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलते हैं राउंड वाले, वो भी AMG के प्रॉपर साउंड के साथ में। GLA 35 की बैजिंग मिलती है और ऊपर AMG का एक बिग स्पॉइलर मिलता है। रियर बम्पर भी इसमें हमें चेंज मिलता है प्रॉपर AMG, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप साइड में फिन्स देख सकते हो, दोनों एग्जॉस्ट के बीच में भी फिन्स हैं और एक बिग क्रोम भी दिया हुआ है, जो कि इसको पीछे से बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। और टेल लाइट सेम GLA वाली है। और अगर इसको हम थोड़ा पास आके देखें तो आपको मैं ट्विन एग्जॉस्ट दिखाता हूँ और उसके बीच के फिन्स भी दिखाता हूँ। इसके अंदर हमें एक चीज़ और एडिशनल मिलती है, इसमें हमें चारों साइड पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जो नॉर्मल GLA में नहीं आती। नॉर्मल GLA में सिर्फ रियर कैमरा आता है, वो इसके अंदर स्टैंडर्ड होगा, बट इसके अंदर हमें चारों साइड सेंसर्स में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। ये भी एक इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग और क्लोजिंग के फंक्शन के साथ में है। लगभग 435 लीटर्स का बूट स्पेस है और टायर हमें इसमें ऊपर ही मिलता है। और इसके अंदर हमें पार्सल ट्रे भी मिलेगी नॉर्मल GLA की तरह, इसको हम यहाँ से इलेक्ट्रिकली क्लोज भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फ्रंट में, टर्बो फॉर्मेटिक की जो मैंने आपको बैचिंग बताई थी, जो AMG के अंदर ही मिलती है हमें। और इसका जो इंटीरियर है उसके अगर हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक और सिल्वर फिनिश का कॉम्बिनेशन मिलता है विद रेड स्टिचिंग। और अगर हम इसका स्टीयरिंग व्हील देखें तो ये डिफरेंट है, AMG के अंदर फ्लैट बॉटम मिलता है नापा लेदर के साथ में, और इसका जो ये पूरा हॉर्न के साथ वाला एरिया है ये सारा हमें सिल्वर एलुमिनियम फिनिश के अंदर मिलता है। कंट्रोल्स इसके अंदर भी सेम GLA की तरह है, बट इसका डिज़ाइन और लुक पूरा चेंज है नॉर्मल GLA से। और इसके अंदर हम सामने देख सकते हैं तो मीटर में हमें AMG का डिस्प्ले भी एक डिफरेंट मिलता है। दोनों स्क्रीन इसके अंदर भी 10.25 इंच की आती है, बट इसके अंदर इंफोटेनमेंट में हमें एक AMG परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर हम कार की सारी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं कि सस्पेंशन, एक्सलरेटर, ब्रेक, ग्रेविटेशनल फोर्स सब कैसा चल रहा है कार के अंदर, और इंजन कंजम्पशन, डायनेमिक सेलेक्ट भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम जब इसको टॉगल करते हैं तो यहाँ पर हमें सस्पेंशन की डैम्पिंग भी हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर, और इसके बाद हम चेक कर सकते हैं तो टायर प्रेशर और टायर की हीटिंग कैपेसिटी भी। तो काफ़ी ही ज़्यादा, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है कि आप अपनी कार को अच्छे से चेक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, व्हीकल की पूरी सिस्टम से रिलेटेड हो, कंजम्पशन से रिलेटेड हो, और एक डायनेमिक सेलेक्ट से रिलेटेड हो। इंजन के अंदर भी आप टॉर्क, आउटपुट सब कुछ चेक कर सकते हैं, कंजम्पशन भी चेक कर सकते हैं। डायनेमिक सेलेक्ट में जाके आप सारी चीज़ें इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि स्टीयरिंग को कौन से मोड में रखना है, सस्पेंशन को कौन से मोड में रखना है, इंजन को कौन से मोड में रखना है, सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट हो जाती हैं। स्टीयरिंग का लुक और जो मीटर का डिस्प्ले है वो हमें बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील कराता है, और इसके अंदर भी हमें AMG परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट भी मिलता है, आगे कोई गाड़ी चल रही है उसने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करी है तो वो यहाँ हमें रडार में भी दिख जाती है और अपनी गाड़ी भी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेती है। मीटर के डिस्प्ले डिज़ाइंस भी ज़्यादा दिए हुए हैं, और इसके अंदर हम अगर सर्विस के अंदर कुछ चेक करना चाहें, जैसे कि टायर प्रेशर लेवल कितना है, इंजन ऑयल लेवल कितना है, कूलेंट का लेवल कितना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हैं। कोई मैसेज अगर सर्विस से आया हुआ है तो वो भी आप इसके अंदर आराम से विजिबली देख सकते हो। पेडल शिफ्टर्स भी क्रोम के अंदर हैं इसके अंदर, और नीचे GLA की तरह ही वायरलेस चार्जर है, उसके पीछे दो कप होल्डर्स दिए हुए हैं, टच पैड है, टच पैड के साथ डायनेमिक सेलेक्ट लीवर है जिससे कि आप मोड्स भी चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम की है, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, और यहाँ पे आपको एक एडिशनल मिल जाता है ऑटोमेटिक पार्किंग का बटन, पार्क असिस्ट के लिए, फिर व्हीकल सेटिंग्स का ऑप्शन, फेवरेट्स। AMG में एक्स्ट्रा मिलता है ये मैनुअल वाला मोड, सस्पेंशन डैम्पिंग वाला, कि सस्पेंशन को सॉफ्ट रखना है या टाइट रखना है। इसमें भी आपको 3-way मिलते हैं और ट्रैक्शन भी आप ऑफ कर सकते हो यहीं नीचे से ही। ये सिर्फ हमें ब्लैक इंटीरियर्स के साथ में ही मिलती है, नॉर्मल GLA के अंदर बेज ऑप्शन आता है, बट GLA AMG के अंदर सिर्फ हमें ब्लैक ऑप्शन ही मिलता है। रेड स्टिचिंग होती है, रेड सीट बेल्ट मिलती है, थोड़ा स्पोर्टी और परफॉर्मेंस नेचर वाला इंटीरियर जो है वो हमें फील होता है। अंदर की जो ट्रिम है वो भी आप जैसे देख सकते हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ में दी हुई है।
पूरा ही जो अंदर का लुक है, फिट एंड फिनिश है, वो पूरा ही हमें बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और परफॉर्मेंस वे के अंदर मतलब एहसास कराता है। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हो पैनोरामिक सनरूफ GLA के जैसे ही स्टैंडर्ड आती है। इसके अंदर फ्रंट वाली ओपन हो जाती है और पीछे वाली जो है वो फिक्स रहती है। अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं। गियर लीवर इसका भी स्टीयरिंग के पीछे ही रहेगा और जो इसके वाइपर्स हैं वो हमें ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं इसके अंदर। स्टीयरिंग फील बहुत अच्छी है इसके अंदर और एक कॉम्पैक्ट SUV होने की वजह से हमें मतलब बहुत इजी फील होता है इसको चलाते टाइम पे। हालांकि आप स्टीयरिंग की जो सेटिंग है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आप डिफरेंट कोई ड्राइविंग मोड ऑप्ट करते हो इकोनॉमी या कंफर्ट के अलावा। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स प्लस मोड चूज़ करते हो तो उसके अंदर आपकी जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा स्टिफ़ हो जाता है और जो सस्पेंशन है वो भी स्टिफ हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको राइड कर सकते हो। अगर आप डे टू डे ड्राइव कर रहे हो तो आप इसको कंफर्ट मोड में रख सकते हो। अगर आप किसी दिन स्पोर्टी वे में ड्राइव करना चाहो तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में भी रख सकते हो। स्लिपरी मोड भी इसके अंदर एडिशनल मिलता है जो नॉर्मल GLA में नहीं आता। अब आते हैं इसकी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस मिलते हैं वो सेम GLA के जैसे ही होते हैं, सर्विस, मीडिया, रेडियो, ट्रिप। इसके अंदर हमें जो एडिशनल मिलता है वो ये AMG वाला मोड मिलता है जिसके अंदर हमें एक तो ये AMG डिस्प्ले मिल जाती है और हम इसके अंदर भी कुछ चीज़ें चेक करना चाहें कि कितना बूस्ट मिल रहा है, कितना किलोवाट और कितना न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ईजिली विजिबल हो जाती हैं आप जिस हिसाब से थ्रॉटल दे रहे हो या जिस हिसाब से आप कार को ड्राइव कर रहे हो। इसके अलावा आप इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी चेक कर सकते हो कि साउंड्स किस मोड में है, सस्पेंशन किस मोड में है, इंजन किस मोड में है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर जा रहा है, आप जिस हिसाब से एक्सीलरेटर करोगे उस हिसाब से आपके जो बॉडी रोल है वो किधर की साइड पे जा रहा है। आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और सुनते हैं अब AMG के साउंड हमें कैसे फील होते हैं। आई होप आपको इंजन साउंड अच्छा लगा होगा कार का। अब एक बार लास्ट रिकॉल देख लेते हैं इसके अंदर। रियर व्यू कैमरा, ऑल सराउंड पार्किंग सेंसर्स और इसके अंदर हमें बोमर्सो का म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है 590 वॉट्स का, मैं आपको पहले बताना भूल गया था, जो कि हमें नॉर्मल GLA के अंदर नहीं मिलता। तो ये बोमर्सो का साउंड सिस्टम भी हमें एक बहुत अच्छा फील दे देता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो इस कार के अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी, AMG होने के बावजूद इस कार के अंदर 8 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी स्टैंडर्ड आ रही है। कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर स्पेशली स्पोर्ट्स कार्स के अंदर 8 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी नहीं देता फॉर इंजन, गेयरबॉक्स एंड टॉर्क कन्वर्टर टर्बोचार्जर के ऊपर। इसके अंदर जो गेयरबॉक्स है वो भी 8 स्पीड DCT का है। और अब इस देख लेते हैं इसका इंजन एक बारी, जो कि AMG 2 लीटर टर्बो इंजन है जिसके अंदर हमें पावर मिल जाती है 306 हॉर्स पावर, टॉर्क मिलता है 400 Nm का, 0 to 100 है 5.1 सेकंड्स के अंदर और टॉप स्पीड अप्रॉक्सीमेटली है 250 किलोमीटर्स पर आवर विच इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर इंडियन रोड्स। 2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है ये। इसके साथ में ही मर्सिडीज़ मी की ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो जिससे कि आप इंजन से रिलेटेड या अपनी व्हीकल से रिलेटेड सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हो। कार में इंजन ऑयल कितना है, नेक्स्ट सर्विस कब है और रोड साइड असिस्टेंस को भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। दिस इज़ द न्यू GLA 35 AMG फॉर यू और इसका प्राइस स्टार्ट होता है एक्स शोरूम 58.79 लाख रुपीज से। कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो नीचे मैं डिटेल्स दे देता हूँ, आप शोरूम पे फ़ोन कर सकते हैं, वो इसके आपको सारे फाइनेंस स्कीम्स और अवेलेबिलिटी भी बता देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।